नमस्कार वास्तुशास्त्र प्रेमियों को वास्तु रविराज यानी डॉक्टर रविराज अहिर राव का नमस्कार। हमारे घर में या हमारी वास्तु में टॉयलेट और बाथरूम इन दोनों का बहुत ही महत्व है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बाथरूम जहां पे हम नहाते हैं या पानी का कुछ स्टोरेज करते हैं वो उत्तर से लेके पूरब तक यानी ईशान कोण के नॉर्थ ईस्ट रीजन में होना अपेक्षित है, क्योंकि सूरज की किरणों से अल्ट्रावायलेट का उसके ऊपर प्रभाव और उसका मानवीय जीवन पर अच्छा प्रभाव, इसको मद्देनजर रखते हुए पूरब से उत्तर के बीच में बाथरूम का होना अपेक्षित है। उसी तरह टॉयलेट यानी शौचालय ये वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट पश्चिम इन दो दिशाओं के बीच में होना अपेक्षित है, क्योंकि ढलते हुए सूरज की किरणों में इंफ्रारेड रेज के प्रभाव के माध्यम से वहां के जीवाणु कीटाणुओं को मारना और वायव्य कोण के वायु तत्व के माध्यम से वहां की दुर्गंधी को दूर ले जाना, इसके कारण पश्चिम या वायव्य कोण में टॉयलेट का होना अपेक्षित है। आज के हमारी गृह प्रणाली में टॉयलेट और बाथरूम दोनों एक ही होते हैं, एक ही रूम के अंदर इन दोनों सुविधाओं की रचना की जाती है। ऐसे में टॉयलेट और बाथरूम एकत्रित रूप में बेहतरीन जगह हमारे घर का वायव्य कोण और उत्तर कोण के बीचों बीच होना यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीचों बीच टॉयलेट और बाथरूम की रचना अगर की जाती है तो यकीनन वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट के प्रभाव क्षेत्र में टॉयलेट की रचना वास्तुशास्त्र के मुताबिक होगी और नॉर्थ के प्रभाव क्षेत्र में बाथरूम की रचना होती है तो यकीनन इन दोनों चीजों की रचनाओं में पूर्ण रूप से उचित न्याय हो सकता है। लेकिन हमारे इस सेल्फ कंटेन्ड हाउसिंग सिस्टम में जब जमीन और उसके वहां पे अपेक्षित फ्लोर स्पेस इंडेक्स के कैलकुलेशन के आधार पर जब घर बनाए जाते हैं और साथ ही साथ आज के घरों में जब दो या तीन बेडरूम एकत्रित होते हैं तो यकीनन टॉयलेट बाथरूम की संख्या भी बढ़ती है, ज्यादा होती है। इन परिस्थितियों में एक टॉयलेट बाथरूम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आना बहुत आवश्यक है। अन्य सभी टॉयलेट बाथरूम निश्चित रूप से जहां जहां पे बेडरूम है उस दिशा में वो आने की संभावना होती है, यानी आप अपने घर में वास्तु दोष यकीनन ले आने वाले हैं। अब ये टॉयलेट बाथरूम कौन सी दिशा में है इसके ऊपर उसकी निगेटिविटी यानी उनके दुष्परिणामों की गंभीरता निर्भर होती है। लेकिन खास करके मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अग्निकोण दक्षिण और नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट रीजन में टॉयलेट बाथरूम एकत्रित रूप में होना यानी दोनों ही निगेटिव है। वायव्य कोण यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन या ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन में टॉयलेट बाथरूम जब आते हैं तो दोनों में से एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनके निर्धारित दिशाओं के बजाय अन्य दिशाओं में उनका होना यह हमारे लिए एक घातक और दुष्परिणाम हो सकता है। घर है, इन सभी चीजों की आवश्यकता है, तो नेचुरली इन दुष्परिणामों के कम करने के लिए उनके उपाय करना यानी वास्तु रेमेडीज के द्वारा इन सभी दुष्परिणामों को कम करना न्यूट्रलाइज करना ये यकीनन पॉसिबल है। वास्तु के अंदर एक और चीज यानी डाइनिंग टेबल जो वास्तुशास्त्र के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट रीजन में होना अपेक्षित है और खास करके घर के मुखिया ने खाना खाने के समय उस डाइनिंग टेबल के दक्षिण या पश्चिम में बैठकर उत्तर या पूरब की तरफ चेहरा करके खाना खाना बहुत उचित होता है। इस तरह मैं ये कहूंगा कि ये सारी चीजें
यानी टॉयलेट, बाथरूम, डाइनिंग टेबल्स, ये सभी बातों के माध्यम से हम निसर्ग के करीब पहुँचे, निसर्ग की उस शक्ति का आविष्कार प्राप्त करें और हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ले आए। यही मकसद है वास्तुशास्त्र का।